Hello everyone, this is Sarthak Sharma and in this video we are going to discuss current affairs for 30th June 2018. 30 June 2018 से जितने भी current affairs के topics हैं जिनसे competitive exams में questions बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो सभी questions हम इस video में आपके साथ discuss करेंगे plus हम करेंगे उनका detailed analysis और जानेंगे उनका background भी साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है एंड उसका सॉल्यूशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सो फ्रेंड्स हियर इज द कोट ऑफ द डे एंड इट सेज द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन व्हाट डज इट मीन इट मींस दैट देयर इज नो इजी पाथ टू सक्सेस और देखिए फ्रेंड्स देयर आर टू थिंग्स एक होता है बहुत तेज चलना और एक होता है बहुत धीरे चलना जो ये दोनों चीजें हैं ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज़ अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप बहुत तेजी से सब कुछ खत्म कर लें और अपने जो आपका एम है उसको पा लें तो वो काफी मुश्किल है और अगर आप बहुत ही धीरे चलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि सारा टाइम निकल जाए और आप अपने एम तक पहुंच ही ना पाए सो आपने सुना ही होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस तो उसी तरह से रास्ते में बहुत रुकावटें होती हैं तो धीरे चलें और सुरक्षित पहुंचें एंड फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क इन इंडिया इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क है एंड योर ऑप्शंस वर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बी हेमिस नेशनल पार्क सी इंद्रावती नेशनल पार्क और डी नामदाफा नेशनल पार्क सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बी हेमिस नेशनल पार्क दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाइल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड एंड इंद्रावती नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़ एंड नामदाफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश सो यू शुड नो दिस एज वेल प्लस आई हैव यूज्ड द टर्म टेरेस्ट्रियल हेयर बिकॉज देयर आर सेवरल मरीन नेशनल पार्क्स इन इंडिया और ये बात काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है देयर आर मरीन नेशनल पार्क्स एज वेल लाइक द गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ कच्छ एरिया एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ मन्नार एरिया एंड महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इन द अंडमान आइलैंड्स एरिया सो यू शुड नो दिस एज वेल एंड प्लस हेमिस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं सो हेमिस नेशनल पार्क इज अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया सो इट इज इन द लद्दाख रीजन विच इज अ कोल्ड डेजर्ट रीजन अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड्स इट इज बिलीव टू हैव द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ देम इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड सो प्लीज नोट दिस इट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी नॉट द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क में एंड अबाउट हेमिस नेशनल पार्क इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज नॉर्थ ऑफ हिमालयाज सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट दिस इज दिस हेमिस नेशनल पार्क लाइज इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख एंड इट इज नॉट टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया That is the largest national park. So it is the largest national park of India. वो हमने देख ही लिया है and is the second largest contiguous protected area after the Nanda Devi Biosphere Reserve and surrounding protected areas. So Hemis National Park is the largest national park and अगर protected areas की बात करें तो first number पर area wise आता है Nanda Devi Biosphere Reserve and Valley of Flower National Park area. It is a contiguous area in Uttarakhand and इसके बाद second number पर आता है Hemis National Park. National Park. So remember this. And let's move on to our first question for today. So our first question is which state has recently announced an agriculture joint working group JWG with
इसराइल हाल ही में किस राज्य ने इसराइल के साथ एक एग्रीकल्चर जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG अनाउंस किया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी पंजाब. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी गुजरात. एंड मैं आपको बता देता हूँ दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज वसुंधरा राजे एंड शी हैज रिसीव्ड द CM ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द स्कॉच ग्रुप इन द स्कॉच समिट. एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज देवेंद्र फडणवीस एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज विजय रूपानी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज कैप्टन अमरिंदर सिंह. So this is the background of this story. On the second day of his visit to Israel, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani met Israel's Agriculture and Rural Development Minister Yuri Ariel and announced a joint working group JWG between Gujarat and Israel in the fields of agriculture, horticulture and allied sectors. तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए जो है ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई है बिटवीन गुजरात एंड इसराइल. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग वॉज स्ट्रेंथनिंग द इंडो इसराइली एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट IIAP एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग द हाई टेक प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन एंड प्रिसीजन फार्मिंग मेथड्स ऑफ इसराइल. जैसे हमें पता है कि इसराइल इज अ रिसोर्स डिप्राइव्ड कंट्री, प्लस उनके पास वाटर की भी स्कैरसिटी है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल दे यूज वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजीज टू कंजर्व वाटर और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का उनके उनके देश में डिस्पाइट बींग अ वाटर स्कार्स कंट्री. सो इसलिए आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन और प्रिसीजन फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो इसराइल के हैं एंड इनके लिए ही ये JWG जो है उसकी स्थापना की गई है. एंड प्लस दिस इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट दिस वाज लॉन्च्ड इन 2006 और इसी के अंतर्गत जो है इसकी JWG के जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो अनाउंस किया गया है. एंड IIAP दैट इज़ द इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इसका मेन गोल क्या है? टू इंक्रीजिंग द क्रॉप डाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग रिसोर्सेज यूज एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए और क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए ही IIAP की जो है ये बना था 2006 में. ये इनके मेन गोल्स हैं. एंड About Israel, so the capital of Israel is Jerusalem and the currency is Israeli new shekel and prime minister of Israel is Benjamin Netanyahu. So try to remember these facts about Israel. Plus here are some facts about Gujarat as well. This state here is Gujarat and the capital is Gandhinagar. Chief minister is Vijay Bhai R. Rupani. And the governor is Om Prakash Kohli. State animal is Asiatic lion. State bird is greater flamingo. And state flower is marigold. And state tree is banyan. Plus the state of Gujarat has the longest coastline in India. So try to remember these facts about Gujarat. ये competitive exams में कभी भी पूछे जा सकते हैं. And let's move on to our next question now. So friends, before moving to the next question, here are some courses which we have created for you and these include GATE, CSEIT and UGC NET and Placement Preparation and Competitive Programming and there are some new courses for DSSSB and KVS PGT TGT teacher as well as UPPSC LT grade teacher recruitment. So we are covering all the technical examinations which occur throughout the year and if you want to take our courses then you can call us on the given number, that is 9821876104 and you can use 02 in place of 04
or you can contact us at our given email ID, that is admin@gatelectures.com, and these are comprehensive courses having the full coverage of the syllabus and will definitely help you to prepare and score better in your examinations. And let's move on to our next question now. So our next question is, who has recently launched the mobile app Reunite? हाल ही में किसने मोबाइल ऐप Reunite को लॉन्च किया है? And your options are A. राजनाथ सिंह, B. मेनका गांधी, C. नरेंद्र मोदी और D. सुरेश प्रभु. Friends, the correct answer is D. सुरेश प्रभु. And मैं बता देता हूँ that राजनाथ सिंह is the current Minister of Home Affairs. And Menaka Gandhi is the Minister of Women and Child Development, and ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में सबको पता है. Plus about Suresh Prabhu, and he is the Union Minister of Commerce and Industry. Plus he has the additional charge of Civil Aviation as well. So Suresh Prabhu launched a mobile application called Reunite, which helps to track and trace missing and abandoned children in India. तो जो बच्चे खो जाते हैं या ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है. एंड द नेम ऑफ द ऐप इज Reunite, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए. प्लस स्पीकिंग ऑन दिस ओकेजन द मिनिस्टर दैट इज सुरेश प्रभु अप्रिशिएटेड द वर्क बींग डन बाय द NGO बचपन बचाओ आंदोलन एंड कैप जेमिनी फॉर डेवलपिंग दिस ऐप. तो बचपन बचाओ आंदोलन और कैप जेमिनी दो NGO हैं जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है और ऐप का नाम है Reunite. द ऐप इज अ मल्टी यूजर ऐप वेयर पेरेंट्स एंड सिटीजन्स कैन अपलोड पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लाइक नेम, बर्थमार्क, एड्रेस, रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, सर्च एंड आइडेंटिफाई मिसिंग किड्स. सो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस पैराग्राफ कि ये ऐप जो है वो क्या करता है. बेसिकली ये उन बच्चों को ढूंढने का काम करेगा जो खो जाते हैं या ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं या किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सब के लिए ये ऐप जो है वो काम करेगा. और ये सिटीज़न पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है. एंड द ऐप इज़ अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS. प्लस मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो ये ऐप्स आते हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर GK सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन, बिकॉज ये बहुत पूछा जाता है. सो देर इज़ ए सजेशन, जैसे जैसे कोई ऐप अगर लॉन्च होता है तो आप उसे इंस्टॉल करें और उसे 5 से 10 मिनट जो है यूज़ भी करके देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐप क्या करता है और इस तरह से आपको वो ऐप याद भी रहेगा, उसका नाम और वो क्या करता है वो चीज़ें आपको याद रहेंगी. एंड नोबल लॉरिएट एंड फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट ऑन दिस ओकेजन. सो कैलाश सत्यार्थी जो है वो नोबल लॉरिएट हैं, ये हमें पता है. एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, ये आप फैक्ट याद रखिए. एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So our next question is, who has recently approved institution of 4 new police medals including special operation medal? हाल ही में किसने 4 नए पुलिस मेडल्स जो है वो अप्रूव किए हैं, जिनमें से एक मेडल स्पेशल ऑपरेशन मेडल भी है. एंड योर ऑप्शंस आर ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी निर्मला सीतारमन और डी मनोहर पारिकर. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ए राजनाथ सिंह, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड निर्मला सीतारमन इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो यू शुड नो हर नेम. एंड मनोहर पारिकर इज द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अभी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के. सो लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल. So Union Home Minister Rajnath Singh has approved the institution of Home Minister's Special Operation Medal for the police personnel of states and UTs and central police organizations
and Central Armed Police Forces, that is CAPF, and security organizations involved in special operations. तो जो भी पर्सनल स्पेशल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो CAPF से हो, CPOs से हो, या फिर स्टेट पुलिस से हो, या यूनियन टेरिटरीज की पुलिस से हो, उनके लिए जो है ये प्राइज जो है ये अनाउंस किया गया है. दैट इज़ द होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल. एंड प्लस राजनाथ सिंह हैज़ ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड 3 मोर मेडल्स विच आर द आंतरिक सुरक्षा मेडल एंड असाधारण आशुचन पदक एंड उत्कृष्ट एंड अति उत्कृष्ट सेवा मेडल. सो दीज 3 मेडल्स प्लस द मेडल फॉर स्पेशल ऑपरेशंस जो है ये टोटल मिलाकर के 4 जो मेडल्स हैं वो राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने अप्रूव किए हैं फॉर पुलिस ऑपरेशंस, फॉर पुलिस पर्सनल्स. एंड द होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल एंड असाधारण आशुचन पदक विल बी अवार्डेड ऑन August 15, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस डे. तो हर साल इंडिपेंडेंस डे पे जो पदक दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनके साथ ही ये 2 अवार्ड भी दिए जाएंगे. एंड द आंतरिक सुरक्षा मेडल एंड उत्कृष्ट एंड अति उत्कृष्ट सेवा मेडल विल बी अनाउंस्ड ऑन January 26, दैट इज़ द रिपब्लिक डे एवरी ईयर. तो ये 2 अवार्ड जो हैं वो रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए जाएंगे हर साल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So our next question is, which space agency will launch world's lightest satellite and the name of the satellite is Jaihind 1S. कौन सी स्पेस एजेंसी विश्व की सबसे हल्की सैटेलाइट लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा Jaihind 1S. एंड योर ऑप्शंस आर ए इसरो, बी नासा, सी ESA और डी JAXA. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बी नासा. एंड नासा की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. एंड द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. यू शुड नो दिस एज वेल. एंड यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी. एंड द फुल फॉर्म ऑफ JAXA इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. तो इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल. सो द 4 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस नियर चेन्नई तमिलनाडु हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ नासा फैसिलिटी इन द US बाय August 2018. सो ये चीज़ जो है ये आप याद रखिए. एंड बाय द वे ऐसा क्यों है कि ये नासा ही लॉन्च कर रही है और ये सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च नहीं की है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ दैट देयर वाज अ कंपटीशन जो नासा ने ऑर्गेनाइज कराया था. एंड इस कंपटीशन को इन 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने जीता है, जिसके बाद एज अ प्राइज जो है उनको ये चीज़ मिली है कि वो एक सैटेलाइट बनाए जो नासा लॉन्च करेगी. और उन्होंने जो सैटेलाइट बनाई है उसका नाम है Jaihind 1S एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट. सो द स्टूडेंट्स बिल्ट द 4 सेंटीमीटर क्यूब सैटेलाइट. सो इसका जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर जो इसकी साइड लेंथ होगी एंड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब एंड विद अ 3D प्रिंटेड आउटर कास्टिंग फ्रॉम पॉलीलैक्टिक एसिड PLA नाइलॉन मटेरियल. सो इट विल बी मेड ऑफ नाइलॉन मटेरियल मेकिंग इट लाइटर देन अ मीडियम साइज्ड एग एट जस्ट 33.39 grams. सो दिस विल बी द वेट ऑफ दिस सैटेलाइट. एंड Jaihind 1S द एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट could also be the cheapest satellite as it was built at the meager budget of ₹15,000 only. Plus, the main aim of this satellite is to check the working of nylon in microgravity.
यानी कि बहुत कम ग्रेविटी जो कि स्पेस में होती है उसमें नायलॉन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, यही सब जानना इस सैटेलाइट का मेन एम है। एंड इट ऑल्सो इंटेंड्स टू स्टडी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक क्लाउड बर्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रॉकेट। रॉकेट की क्या ट्रेजेक्ट्री होती है, किस पाथ को वो फॉलो करता है, या फिर वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे क्लाउड बर्स्ट हैं उनकी भी स्टडी करने के लिए जो है ये सैटेलाइट काम करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन पैसेज एक्सरसाइज दैट इज पैसेक्स नियर द पोर्ट ऑफ मकसर। हाल ही में भारत के साथ किस दूसरे देश की नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स में पार्टिसिपेट किया है जो पोर्ट ऑफ मकसर के पास हुई है। एंड योर ऑप्शंस आर ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी वियतनाम और डी मालदीव्स। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बी इंडोनेशिया। एंड इफ यू आर अ ज्योग्राफी स्टूडेंट तो आपने ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया होगा, बिकॉज वी नो दैट मकसर इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया ओनली। सो अगर आपको इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा भी अंदाजा ना हो तब भी आप एज अ गेस ये आंसर दे सकते हैं। आंसर इज बी इंडोनेशिया। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड। So, first of all, what is a PASEX or a passing exercise? So, a passing exercise is an exercise done between two navies to ensure that the navies are able to communicate and cooperate in times of war or humanitarian relief. So, this is not a military exercise and also this is not a country specific exercise. तो हम ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, तो पैसेक्स उसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये एक कॉमन एक्सरसाइज है जो कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कर सकती है। सो एंड द नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स एंड इंडियन नेवल शिप्स INS शक्ति एंड INS कमोर्ता अंडर द कमांड ऑफ रियर एडमिरल दिनेश टी त्रिपाठी के त्रिपाठी दैट इज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट अंडरटुक द पैसेज एक्सरसाइज विद इंडोनेशियन नेवल शिप KRI मदी दिहांग ऑन लीविंग द पोर्ट ऑफ मकसर इन इंडोनेशिया। सो दीज वर द टू नेवल शिप्स ऑफ इंडिया एंड दिस वॉज द शिप फ्रॉम इंडोनेशिया जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इस पैराग्राफ से आपको ये चीज़ें याद करनी है। एंड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू इंडोनेशिया लास्ट मंथ द टू कंट्रीज डिसाइडेड टू एनहांस देयर मैरिटाइम कोऑपरेशन। और जो ये पैसेक्स एक्सरसाइज है ये इसी जो ये डिसाइड किया गया था मैरिटाइम कोऑपरेशन इसी को आगे बढ़ावा देती है, इसी के तौर पर की गई है। एंड इंडोनेशिया जो है उसके बारे में ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। द कैपिटल इज जकार्ता एंड करेंसी इज इंडोनेशियन रुपिया एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इज जोको विदोदो। एंड फ्रेंड्स हेयर वी हैव द मैप ऑफ इंडोनेशिया। जो ये कंट्री है दिस आइलैंड कंट्री पूरा ये कंट्री जो है दिस इज कॉल्ड इंडोनेशिया एंड इट इज़ अ आइलैंड नेशन। एंड ऑल्सो जो ये आइलैंड्स हैं दे आर मेनली ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस दिस आइलैंड हेयर इज सुमात्रा एंड इट इज द नियरेस्ट आइलैंड टू इंडिया क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर द निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। प्लस जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आप देख सकते हैं ऑफकोर्स इनकी जो बाउंड्री है वो साथ में नहीं होती है बट दे आर नेबरिंग कंट्रीज लाइक हेयर वी हैव म्यांमार, यहाँ पर थाईलैंड है, कंबोडिया है, दिस कंट्री हेयर इज वियतनाम, हेयर इज लाओस, यू शुड नो दैट लाओस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री एंड हेयर इज फिलीपींस एंड दिस कंट्री हेयर इज मलेशिया, मलेशियन आइलैंड्स एंड यहाँ पर ब्रूनी है एक छोटी सी कंट्री एंड दिस इज हेयर न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, दिस कंट्री हेयर। सो इंडोनेशिया जो कंट्री है वो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स दैट इज एशिया एंड ओशियनिया
and here is Australia. And this here is Makassar Strait and this here is the Makassar City, जहाँ पर इसी जगह पर जो है ये पैसेक्स एक्सरसाइज हुई है. एंड ऑल्सो यू शुड नो द स्ट्रेट ऑफ मलक्का बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है शिपिंग जो है वो इस रूट के थ्रू होती है फ्रॉम दिस पार्ट हेयर, दैट इज़ इंडियन ओशियन, और यहाँ से साउथ चाइना सी की तरफ. और जैसे हमें पता ही है कि चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, सो इट इज़ अ वेरी बिजी रूट, सो यू शुड नो दिस. प्लस आपको सीज के नाम भी पता होने चाहिए. मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. दीज शिप्स हेयर्स लाइक द सेलेबस सी एंड अराफुरा सी एंड टिमोर सी, फिलिपीन सी. तो ये जो सीज हैं इनके नाम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से पूछे जाते हैं. सो यू शुड नो द लोकेशन ऑफ दीज सीज एज वेल. And friends, let's move on to our next question now. So our next question is, according to a 2018 survey published by the international consulting firm Mercer, which city has been ranked costliest city to live in for expatriates? तो 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक कौन सा शहर है जिसे सबसे महंगा शहर होने की उपाधि दी गई है फॉर एक्सपेट्रिएट्स. एंड एक्सपेट्रिएट्स आर दोज इंडिविजुअल्स जो किसी दूसरे देश में टेम्परेरली और परमानेंटली रह रहे हैं, बट वो सिटीजन किसी और देश के होते हैं. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, योर ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी हांगकॉन्ग, सी लुआंडा और डी सिंगापुर. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बी हांगकॉन्ग. एंड मुंबई इज अ सिटी इन इंडिया, वाइल हांगकॉन्ग इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी इन द मेनलैंड चाइना. एंड लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ अंगोला, इट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री. और 2017 में दिस वॉज द कॉस्टलीस्ट सिटी टू लिव इन फॉर एक्सपेट्रिएट्स एज पर द मर्सर सर्वे. एंड सिंगापुर इज अ सिटी, और यू कैन कॉल इट अ नेशन, इट इज़ अ कंट्री विद ओनली सिंगापुर सिटी इन इट. सो दिस इज अबाउट इट एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल. सो हांगकॉन्ग इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट सिटी to live in for expatriates, followed by Tokyo, Zurich, Singapore and Seoul. So this is the order. Hong Kong sabse mehenga shahar hai rehne ke liye, uske baad Tokyo which is in Japan and Zurich is in Switzerland, Singapore maine aapko bata diya hai and Seoul is the capital of South Korea. So अगर आपको इन देशों में रहने जाना है तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने ज़रूरी है, कोई अच्छी जॉब होनी ज़रूरी है. एंड दिस ईयर्स रैंकिंग इंक्लूड्स 209 सिटीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर्स द कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ मोर देन 200 आइटम्स इन ईच लोकेशन, इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्लॉथिंग, हाउसहोल्ड गुड्स एंड एंटरटेनमेंट. सो ये सब फैक्टर्स हैं जिनको देखा गया है इस रैंकिंग को बनाने के लिए. सो यू शुड नो दिस. एंड प्लस मुंबई कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया टू लिव इन फॉर एक्सपेट्रिएट्स अहेड ऑफ ग्लोबल पीयर्स वॉशिंगटन एंड मेलबर्न. तो मुंबई जो है वो भारत की सबसे महंगा शहर है फॉर एक्सपेट्रिएट्स. प्लीज़ ये आप याद रखिएगा, not for all, it talks about expatriates only. And Washington or Melbourne se bhi jo hai mehenga shahar hai Mumbai is survey ke anusar. And however, India's Silicon Valley Bengaluru is getting more reasonable on cost of living. To Bengaluru jo hai wo pehle kafi upar hoti thi, but is bar ke survey mein wo phir bhi niche chali gayi hai. But Mumbai is still the costliest city in India for expatriates to live in. All these facts you should know. And let's move on to our next question now.
So our next question is, which Indian athlete has set a new national record in women's 100 meter race category at the 58th National Interstate Senior Athletics Championships 2018? So 58th National Interstate Senior Athletics Championships mein 100 meter race category mein, women's 100 meter race category mein, kis Indian athlete ne naya world record banaya hai? And your options are A. Duti Chand, B. Srabani Nanda, C. Lalita Babar, or D. Tintu Luka. So friends, the correct answer is A. Duti Chand. And ye jo athlete hai, inka naam kafi news mein rehta hai, to aapko ye pata bhi hona chahiye. And plus 58th National Interstate Senior Athletics Championships jo hai, iske baare mein hum questions kafi baar pooch chuke hain. It is being organized in Guwahati in Assam. And जो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने 800 मीटर कैटेगरी में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, सो हिज नेम वाज जिनसन जॉनसन, तो आप उनका नाम भी याद रखिए. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो इंडियन स्प्रिंटर दूति चंद सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 100 मीटर रेस व्हेन शी क्लॉक्ड 11.29 सेकेंड्स at the 58th National Interstate Senior Athletics Championships being held in Guwahati, Assam. Plus, friends, the previous record of 11.30 seconds in 100 meter race category was also held by Duti Chand, which she achieved at the Indian Grand Prix Championships in 2017. तो ये रिकॉर्ड पिछले साल द्युति चंद ने ही बनाया था और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ कर के 11.29 सेकंड्स में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. एंड द्युति हैज क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स इन 100 मीटर एंड 200 मीटर बाय ब्रीचिंग द क्वालिफाइंग टाइमिंग्स एट द इंटर स्टेट चैंपियनशिप्स. तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है एशियन गेम्स के लिए जो होंगे जकार्ता में, which is the capital of Indonesia, और वो अगस्त में शुरू होंगे. and plus she represented the state of Odisha. तो दूती चंद है ओडिशा से, उन्होंने ओडिशा को रिप्रेजेंट किया है इंटरस्टेट चैम्पियनशिप्स में, तो ये आप याद रखिए. and this state here is Odisha, and here are some facts about it. so the capital of Odisha is Bhubaneswar, and the current chief minister is Naveen Patnaik, and the governor is professor Ganeshi Lal, और वो अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो गवर्नर बने हैं ओडिशा के. एंड द स्टेट एनिमल इज सांबर डियर, एंड स्टेट बर्ड इज इंडियन रोलर, एंड स्टेट फ्लावर इज अशोका फ्लावर, एंड स्टेट ट्री इज फिग दैट इज पीपल. प्लस दिस फैक्ट यू शुड नो, द रीजन इज ऑल्सो नोन एज द उत्कल रीजन, विच इज मैंशनड इन नेशनल एंथम ऑल्सो. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा. सो दिस रीजन हेयर इज द उत्कल रीजन. प्लस दिस लेक हेयर इज लेक चिलिका, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, एंड इट इज अ ब्रैकिश वाटर लगून, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड. सो यू शुड नो दिस एज वेल. प्लस इट इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं काफी तादाद में इन ब्रीडिंग सीजन. प्लस ओडिशा ऑल्सो हैज द गहिर मठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑलिव रिडली टर्टल्स के ब्रीडिंग के लिए. वो यहाँ पर आते हैं ब्रीडिंग के लिए, यहाँ पर प्रॉपर ब्रीडिंग फील्ड्स बनाए गए हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए. सो दीज ऑल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट ओडिशा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एज पर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Our next question is, which district has been ranked first in the Niti Aayog's Delta ranking of
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, नीति आयोग ने हाल ही में डेल्टा रैंकिंग निकाली है अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, और इसमें पहली रैंक किस डिस्ट्रिक्ट को मिली है। एंड योर ऑप्शंस आर ए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, बी वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम, सी आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, और डी दाहोद डिस्ट्रिक्ट ए ऑफ गुजरात। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज दाहोद डिस्ट्रिक्ट। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। सो द नीति आयोग रिलीज्ड द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग, दैट इज द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली ऑन June 29, 2018। प्लस द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड द फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो यू शुड नो दिस। और नीति आयोग के चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, एंड CEO इज अमिताभ कांत। सो यू शुड नो देयर नेम एज वेल। प्लस about this news article, the ranking measured the incremental progress made by districts between 31st of March and 31st of May 2018. तो इस बीच जो है, जो इन districts ने progress की है under the aspirational districts program, तो इसके लिए ये ranking निकाली है नीति आयोग ने, जिसमें दाहोद district of गुजरात जो है उसको with 19.8 points ranked first in the delta ranking, while West Sikkim district in Sikkim stood second with 18.9 points. So you should know the name of this district jisko mili hai first ranking. And the districts have been ranked in a transparent basis on parameters across health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development, and basic infrastructure through 49 key performance indicators. तो ये सब जो है, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर, ये ट्रांसपेरेंट बेसिस पर जो है ये रैंकिंग निकाली गई है, फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग बाय नीति आयोग। एंड अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, सो इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोग्राम, एंड द एम ऑफ ADP इज टू ट्रांसफॉर्म 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज करना, यही इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का जो है वो मेन एम है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। प्लस दाहोद डिस्ट्रिक्ट इज इन गुजरात, सो वी शुड रिवाइज आर फैक्ट्स अबाउट गुजरात। सो कैपिटल इज गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर इज विजय भाई आर रूपानी, गवर्नर इज ओम प्रकाश कोहली, स्टेट एनिमल इज एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड इज ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्टेट फ्लावर इज मैरीगोल्ड, एंड स्टेट ट्री इज बैनियन। प्लस द स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स अबाउट गुजरात, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल फैक्ट। सो हु विल लीड इंडियन वुमेन्स टीम फॉर द 2018 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन लंडन। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो कि लंडन में होगा 2018 में, उसके लिए भारतीय वुमेन्स टीम, महिला टीम की जो है, हॉकी टीम की कैप्टन किसे चुना गया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सुनीता लकड़ा, बी रानी रामपाल, सी निकी प्रधान, और डी गुरजीत कौर। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बी रानी रामपाल। सो रिमेंबर हर नेम, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्लस दिस टूर्नामेंट, वो 2018 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन लंडन इन यूनाइटेड किंगडम। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। एंड दिस इज द बैकग्राउंड हेयर। सो फॉरवर्ड रानी रामपाल, सो रानी रामपाल प्लेज ऑन द फॉरवर्ड पोजिशन एंड हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडियाज 18 मेंबर स्क्वाड फॉर द प्रेस्टिजियस 2018 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट विच इज स्लेटेड टू बिगिन इन लंडन ऑन July 21। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कीजिए, इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए, अपने नेशनल जो हमारा खेल है
उसे नेशनल स्पोर्ट को भी सपोर्ट कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड वर्ल्ड नंबर 10 इंडियन टीम हैज़ बीन प्लेस्ड इन पूल बी अलोंगसाइड होस्ट एंड द वर्ल्ड नंबर 2। सो होस्ट इंग्लैंड है और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 है, और इसी पूल बी में वर्ल्ड नंबर 7 USA भी है, और वर्ल्ड नंबर 16 आयरलैंड भी है, और वर्ल्ड नंबर 10 इंडियन टीम भी है। सो फ्रेंड्स, this is all for today for current affairs, and we have come to the last section of our video, which is the question of the day. And the question says, which one of the following issues the global economic prospects report periodically? Global economic prospects naam ki report jo hai wo inme se kaun si organization issue karti hai? And your options are A, World Bank, B, IMF, C, ADB, और डी UNDP। सो फ्रेंड्स, इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर जरूर बताइए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, देयर इज एन अनाउंसमेंट, देयर विल बी अ ब्रेक ऑन संडे एंड वी विल कंटिन्यू विद आर वीडियोज ऑन मंडे, और जो संडे के करंट अफेयर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक की अपनी वीडियोज में इंटीग्रेट जरूर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लस आपके जो भी सजेशंस हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।